सभी गाइस कैसे हो। जुजुत्सु कैसन का एक और न्यू चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गोजो इज नो मोर। मैं कोई थ्योरी नहीं बना रहा हूं क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि गोजो अब मर चुका है। जब मैंने इस चैप्टर को रीड किया तो मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस फाइट की एंडिंग कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड निकली। फर्स्ट पैनल में हमें गैटो दिखाया जाता है जो गोजो को बोलता है, कैसे हो बेवकूफ, जिस पर गोजो चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम चुप रहो। गोजो याद करता है कि एक बार अपने स्टूडेंट से उसने कहा था कि अगर आप मर जाते हो तो आप अकेले हो जाते हो। अब गेटो गोजो से पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना कैसा है, जिस पर गोजो बोलता है सुकुना मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा गुना पावरफुल था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था मेरे साथ फाइट करने के दौरान वो ऑल आउट गया भी नहीं और उसने मुझे डिफीट कर दिया। गेटो बोलता है सिर्फ सुकुना ही ऐसा सॉर्सरर था जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता था पावर्स के मामले में। जहाँ पर गोजो बोलता है मैंने जितना भी हार्ड किया था अब तक सब सुकुना के बराबर आने के लिए किया था। वो सुकुना को ये बताना चाहता था कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड द एंड गोजो बोलता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया, बट कहीं ना कहीं गोजो उदास था क्योंकि सुकुना इस फाइट में अपना ऑल आउट दिया ही नहीं। गेटो गोजो से जेलस हो रहा होता है। देन गेटो बोलता है अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो ठीक है। गोजो बोलता है वो और भी ज्यादा सेटिस्फाइड होता अगर गेटो जिंदा होता और वो गोजो को और ज्यादा मोटिवेट करता। एटलीस्ट गोजो के फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि वो कोई लल्लू से तो डिफीट हुआ था नहीं, वो डिफीट हुआ था किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से। तभी नानामी आकर बोलता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये सब सुनते हुए। फिर नानामी बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी मूवमेंट पर जज नहीं करूंगा। गोजो नानामी को थैंक्स बोलता है। देन गोजो नानामी से उसकी आखिरी मूवमेंट के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर सभी गोजो को फेयरवेल कर रहे होते हैं, जिस पर गोजो बोलता है वो खुश है क्योंकि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से एक बेस्ट जिंदगी रही है। देन हमें गोजो की बॉडी दिखाई जाती है जो बीच से कट चुकी थी और गोजो अपने आखिरी सांसों को गिन रहा था। और फिर हम सुकुना को देखते हैं जो महोरगा की एबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सुकुना बोलता है जितनी बार भी गोजो महोरगा को हिट कर रहा था उतनी बार महोरगा वो सारे अटैक्स को अडैप्ट करते जा रहा था। जब महोरगा गोजो की इन्फिनिटी को पूरी तरह अडैप्ट कर लेता है तभी वो अपनी कर्स एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर रहा था। और हमें ये भी बताया जाता है कि जब महोरगा ने गोजो को एक हाथ को काट दिया था उसी वक्त वो उसकी इन्फिनिटी को भी काट दिया था और इसीलिए सुकुना गोजो को दो हिस्सों में काट देता है। हम देखते हैं गोजो को जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है। देन सुकुना बोलता है इन्फिनिटी से फर्क नहीं पड़ता जब वो पूरे अर्थ को काटने का पोटेंशियल अपने पास रखता हो। लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कासिमो को जो सुकुना से फाइट करने जा रहा होता है और यहीं पर चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। वेल सच पता ना गोजो फैंस क्या लगा था क्या होने वाला इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने ये सब पहले एक्सप्लेन कर रखा था अपनी वीडियोस में कि गोजो मरने वाला है। जो भी बोलो यार गोजो ने ये प्रूव किया है कि वो एक पावरफुल सॉर्सरर था और बहुत सारे लोग उसको जीतते हुए भी देखना चाहते थे। बट ये सब हमारी ख्वाहिश है, जिंदगी में चाहते तो हम भी बहुत कुछ है पर मिलता कहाँ है।